तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उन बच्चों की बात करते हैं जो अपने पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानते हैं, जो बच्चे अपने पिता की बात तक नहीं सुनते हैं, उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कौन सा ग्रह बुरा असर डाल सकता है पंडित जी, और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं? देखिए, कहना ये चाहूँगा कि अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में पाराशर होरा में एक श्लोक आता है, जनको कुत्सितो भवेत, जनको कुत्सितो भवेत। जनक कहते हैं पिता को, जन्म देने वाले को। पिता जो है कुत्सित अर्थात दुष्ट होता है। कब दुष्ट होता है? जब लग्न का स्वामी नवम में और छठे भाव का स्वामी नवम में दोनों एक साथ होते हैं, तो ऐसे बच्चे का पिता चरित्रहीन, नशाखोर और पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला, अपने पत्नी का अपमान करने वाला, संतान के उत्तरदायित्व को न समझने वाला और बदनामी का पात्र होता है। या फिर जो लोग अपने पिता की बात नहीं सुनते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, और पिता योग्य है तब भी आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव मिलेगा ही, जिससे उनका मान सम्मान और रुतबा कम हो जाएगा। व्यक्ति को अपनी नौकरी या कारोबार में हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आँखों में तकलीफ होगी। जिन बच्चों का सूर्य कमजोर है उनके पिता को सेहत और पैसों से जुड़ी समस्या रहेगी। पिता के अपने बच्चे से रिश्ते ठीक नहीं रहेंगे। अगर सूर्य के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है, जैसे शनि से दशम भाव में, शनि से तृतीय भाव में, शनि से सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो और शनि की उस पर पूरी दृष्टि हो, तो ऐसे बच्चे का जो पिता होगा वो हर समय व्याकुल भारत होगा। बच्चे आज्ञाकारी हों तो भी वो किसी न किसी कारण से पिता से दूर ही रहेंगे। आप एक पिता हैं और आपको ये परेशानियां अगर आ रही हैं, तो आपको सूर्य को हर रोज जल चढ़ाना चाहिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 बार करना चाहिए, अपने घर में लाल रंग के फूलों वाले पौधे लगाने चाहिए, और जिस बच्चे की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है या शनि के साथ है, उसके पिता को हमेशा कष्ट रहेगा। ऐसे में अपने घर में सूर्य की भरपूर रोशनी आने दें। सूर्य के वैदिक मंत्रों ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृतंग च हिरण एन सविता रथेन देव जाति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और पीपल का पेड़ सार्वजनिक स्थानों पर लगाना चाहिए। इससे पिता का सुख मिलना शुरू हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके पिता आपसे नाराज हैं, उनकी सेहत अक्सर खराब रहती है, उनका काम का क्रेडिट नहीं मिलता उन्हें, और ऐसे में आपको इस फादर्स डे कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए जिससे आपके पिता को पूरे जीवन किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े, आइए जानते हैं। तो पंडित जी बताएंगे, पंडित जी बताइए कौन से वो उपाय हैं। देखिए, जिस बच्चे की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, सूर्य मजबूत होने का क्या मतलब है भैया? सूर्य मजबूत होने का मतलब है कि सूर्य मेष राशि के 10 डिग्री पर हो, सूर्य अपने किसी मित्र ग्रह की राशि में हो, सूर्य शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, सूर्य मेष राशि के नवमांस में हो और सूर्य 3rd, 6th, 11th भाव में हो, या सूर्य लग्न में मेष राशि या सिंह राशि का हो, तो इसको मजबूत सूर्य कहते हैं। ऐसे बच्चे के पिता को सेहत और मान सम्मान का सुख मिलता ही है।
ऐसे पिता की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। इसके लिए अगर बच्चा बालिग है तो उसे रविवार को गुड़ का दान भी करना चाहिए और देवी देवताओं को लाल चंदन का तिलक भी लगाना चाहिए। लाल फूलों से सूर्य देवता की पूजा भी करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। आपके पिता आपसे नाराज हैं तो बच्चों को शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को 1.25 किलो गुड़ किसी नदी में भी प्रवाहित करना चाहिए। बच्चे को पानी में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। रविवार को अपने पिता को कुछ भी उपहार आप दे सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अगर आप चाहते हैं आपको नौकरी, बिजनेस में पैसा, नाम और तरक्की मिले, अगर आप चाहते हैं कि पिता के साथ आपके रिश्ते मजबूत रहें, तो ऐसे में आपको कौन से वो आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये भी बताएंगे हमें पंडित जी। पंडित जी, कौन से वो आसान और अचूक उपाय? देखिए, ऐसा है, बच्चे अगर चाहते हैं कि पिता के साथ उनका रिश्ता मजबूत हो, तो हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकल जाए। मैं दुनिया में किसी से हारना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा बुद्धिमान, मुझसे ज्यादा ज्ञानी और मुझसे ज्यादा प्रसिद्ध हो। बेटे के सामने मेरा नाम छोटा हो जाए और लोग मेरे बेटे के नाम से मुझे जाने कि ये उनके पिता हैं। हर बाप यही चाहता है। और जो बेटा अपने बाप के नाम से जाना जाता है और बाप के द्वारा पालित पोषित होता है, विपत्तियों में पड़ने पर बाप के द्वारा छुड़ाया जाता है, ऐसे बेटे का कुल में जन्म न लेना ही श्रेयस्कर है। ये मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है, ये मैं कोई अपनी कपोल कल्पना नहीं कह रहा हूं। बच्चों को तांबे के बर्तन में जल भर करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गुड़ कुष्ठ रोगी के जहां रहते हों उस आश्रम में दान करना चाहिए। बच्चों को अपना कमरा अपने पिता के कमरे के पास रखना चाहिए। बच्चों को अपने पिता के जन्मस्थान पर हैंडपंप या पीने के पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। अपने घर से बेकार लकड़ी और लोहे का सामान निकाल देना चाहिए। कुछ लोगों को बीमारी होती है पुराने सामान को सजोने की, टूटा हुआ जूता, टूटी हुई चप्पल, टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए सामान घर में पूरा सजा कर रखेंगे। उनसे पूछिए कि इसको कूड़े में दे दो, निकाल दो, तो कहेंगे नहीं, ये वक्त पर काम आएगा। अरे कब, कौन सा वक्त, कब काम आएगा? लेकिन कूड़ा तो आपके दिमाग में भरा हुआ है, इसलिए आप अपने दरिद्र को निमंत्रण देकर ये सारी चीज़ें रखे हुए हो। घर में जितने सदस्य हैं उतना दिमाग है, कोई सामंजस्य परिवार में नहीं है, किसी से किसी का प्यार नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? घर में कूड़ा रख करके आप कितना बड़ी कुर्बानी देना चाहते हैं? आज ही जो चीज़ आपके कल उपयोग में नहीं आने वाली है उसे आप एकदम त्याग दीजिए और घर से अपने निकाल दीजिए। कूड़े का ढेर सजाकर अगर अपने घर में रखे रहेंगे बेमतलब की चीज़ों में, तो परिवार के सदस्य सदस्य से मतभेद रहेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। लेकिन मैंने प्रयोग में देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है कि कुछ लोग टूटे हुए बर्तनों में खाना खाते हैं और नए बर्तनों को सजा के रखते हैं, टूटे हुए बर्तनों का यूज करते हैं और नए बर्तन अलमारी में रखते हैं। अरे दरिद्रता को तो खुद निमंत्रण दे रहे हो। कभी भी टूटे बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे राहु खराब हो जाता है। कभी हुई फटे हुए कपड़े को, सीलन टूटे हुए कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, इससे राहु खराब होता है। कभी भी घर में पुराने जूते चप्पल नहीं रहने देना चाहिए, इससे शनि खराब होता है। कभी भी घर में इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान अगर खराब हुआ है, घड़ी खराब हुई है,
टीवी, फ्रिज, एसी खराब हुआ है तो उसको स्टोर करके मत रखिए, उसको हटाइए, क्योंकि शनि खराब होता है। और जब सारे पापक ग्रह खराब होंगे तो आप सुख की नींद सो पाएंगे, आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट रहेगी, आपका बेटा आपसे संतुष्ट रहेगा, आपकी बहू आपसे संतुष्ट रहेंगे। जो लोग इन सारी चीजों के प्रति मोह करते हैं वो लोग बहुत दुखी बुढ़ापा जीते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत दुखमय होता है। इसलिए अभी से कह रहा हूँ, घर में कूड़ा मत रहने दीजिए। अपने पिता के बेड के नीचे एक चांदी का तार आप चाहें तो रख सकते हैं। पिता को दवाई खिलाने से, उनके लिए नए कपड़े लाने से, उनका अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खिलाने से आपका सूर्य मजबूत होगा। मैं तो कहता हूँ पिता की आज्ञा का पालन करिए, पिता को सम्मान दीजिए। पिता कैसा भी हो उसको आप सम्मान दीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आप बालिक हो गए हैं और जब आप सोचने समझने की स्थिति में हो गए हैं तो पिता के कोई दकियानूसी विचार हैं तो उसको भी आप माने, ये जरूरी नहीं है। नौकरी या कारोबार में अगर परेशानी आ रही है तो अपने पिता से तांबे या सोने की अंगूठी लेकर अपने पास उसको रख लीजिए या अनामिका उंगली में धारण कर लीजिए, ये भी आपको फायदा पहुंचाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका सम्मान करें, उनके पास रहें, उनसे प्यार करें, ऐसे पिता को कौन से उपाय करने चाहिए ये भी बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, हालांकि ये तो अपने आप में दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी पिता को उपाय करने की जरूरत पड़े अपने बच्चों के प्यार के लिए, सम्मान के लिए, उनके साथ रहने के लिए, फिर भी आप हमारे दर्शकों को कौन से उपाय बताना चाहेंगे? आज उपाय करने की ही जरूरत है। आज उपाय करने की इसलिए जरूरत है कि अपने माता पिता का तो सम्मान कर नहीं रहे हैं और पूरी तरह से अपने बच्चे में खोए हुए हैं। अपने बच्चे के लिए तो इतना बना देना चाहते हैं कि इनके मरने के बाद भी बच्चा रोटी दाल निकाल करके जो है टंकी में से ज़िंदगी भर खाए, लेकिन अपने माँ बाप की तरफ तो मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। पिता का चश्मा टूट गया है तो बनवाने के लिए पैसा नहीं है और बच्चे ने ज़रा सा रो दिया कि मुझे मतलब कि बैटरी वाली गाड़ी चाहिए तो 16,000 की गाड़ी आ गई। तो आज तो ऐसा चल ही रहा है कलयुग में। तो कहने की बात ये है कि अगर पिता अगर बच्चों के करीब आना चाहते हैं और सचमुच में करीब रहना चाहते हैं तो पहले अपने माता पिता के प्रति आप श्रद्धावंत रहिए। अगर आपके माता पिता मर गए हैं तो उनका चित्र अपने घर के दक्षिण की दीवार पर ड्राइंग रूम में लगा करके रोज उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होया करिए, इसका भी आपके बच्चों के जीवन पर असर पड़ेगा। पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाइए, सरसों के तेल का दिया भी जलाइए और अपने पितरों की फोटो कभी भूलकर अपने पूजा स्थान में मत लगाइए, वरना आपका तो पतन होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही पितर भी आपके, उनकी आत्माएं भी भटकेंगी, इसलिए ईशान कोण में कभी पितरों का फोटो या मृतक लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। पिता अपने बच्चों को शनिवार को नीले रंग की कोई भी चीज तोहफे में दे सकते हैं। पिता को चाहिए कि 5 केले गुरुवार को गाय को खिलाएं, मंदिर में हल्दी का दान करें। पिता को चाहिए कि वो मंदार की लकड़ी, सफ़ेद मंदार जिसको अकवन भी कहते हैं, उसे चाहे तो अपने दाहिने बाजू पर पिंक कलर धागे में बांध करके रख सकते हैं। महीने में एक बार पिता अपने बच्चे के हाथ से मिठाई लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अपनी डाइट में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, ये सब करने से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गई हैं, मध्य प्रदेश से नेहा। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पंडित जी से सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी, सुखी रहिए। मेरे भाई का नाम तीरथ सिंह है और उसकी जन्मतिथि 2/8/1986 है और समय सुबह 7:25 है। और आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? जी, मुझसे 1 वर्ष छोटे हैं। छोटे हैं? और उनकी, जी हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में। जी, उनका विवाह जो है वो पिछले बार हुआ था, वह विवाह अच्छा नहीं चल रहा है, तो कुछ उपाय हो, कुछ समाधान हो तो आप बताइए। ऐसा है कि आपके छोटे भाव के भाई के भाव का स्वामी है शनि और उसे सप्तम भाव का स्वामी है चंद्रमा, और सप्तम भाव में नीच का मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है। वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति बनी हुई है।
आपके भाई को चाहिए कि आपका भाई ओम संघ सनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिन करे और अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाए। अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा तो निश्चित रूप से विवाह चल जाएगा और विवाह में टूटन नहीं आएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।